इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस का भी कहना है कि अब उन ऐप्स को भी खंगाला जाएगा जिनकी कॉल रिकॉर्डिंग सामने नहीं आती है, पता नहीं चलता है कौन किससे बातचीत कर रहा है। इसीलिए टेलीग्राम खोलेगा राज। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को एक लेटर लिखा है पूरी जानकारी हासिल करने के लिए कि जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है टेलीग्राम पर जो बातचीत की जाती है उसको साझा किया जाए, उसकी जानकारी पुलिस को भी दी जाए। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप को यह लेटर लिखा है, उसमें कई बातें लिखी गई हैं। टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी मांगी गई है। ब्लास्ट के बाद टेलीग्राम चैनल पर सीसीटीवी फुटेज भी डाली गई थी। सीसीटीवी फुटेज डालकर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली गई थी। पुलिस की जांच में अभी तक किसी संगठन का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जांच जारी है। टेलीग्राम से भी अभी तक पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला है कि जिस चैनल के बारे में पुलिस जानकारी चाहती है उसकी जानकारी टेलीग्राम की ओर से, सोशल मीडिया ऐप की ओर से दी जाएगी या नहीं, क्योंकि पुलिस आतंकी एंगल की भी जानकारी हासिल कर रही है या किसने शरारत के चलते ये ब्लास्ट वहां पर किया है, किसी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, इसकी जानकारी भी पुलिस की ओर से हासिल की जा रही है। तो तमाम एंगल से जांच हो रही है, यही वजह कि टेलीग्राम को लेटर लिखकर जानकारी मांगी गई है। बिल्कुल अनामिका, आप ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रही हैं, लेकिन एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को ग्राउंड पर ले चलते हैं क्योंकि साहिल वहां पर लगातार बने हुए हैं। साहिल, दो सवाल है। एक तरफ हमने रिकॉर्डिंग सुनाई पीसीआर अटेंडेंट की और जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसने जानकारी दी थी, उसके बीच रिकॉर्डिंग जो है उससे भी पूछताछ क्या की जा रही है ये बताइएगा। और दूसरा ये कि टेलीग्राम ऐप को भी चिट्ठी लिखी गई है, हालांकि अभी तक कोई टेलीग्राम की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, इस पर कोई अपडेट? देखिए, पहला जैसे जिस समय धमाका हुआ उस समय एक शख्स ने पीसीआर कॉल करके पुलिस को जानकारी दी, उसने यही बताया कि यहाँ पे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनने आई है, प्रशांत विहार थाना लगता है, पुलिस को मौके पे भेजे। अब फिलहाल शुरुआती तौर पे उससे पुलिस ने एक बयान लिया था, वो बयान दर्ज किया गया, बयान दर्ज करने के बाद उस शख्स को जो है छोड़ दिया गया है जो पीसीआर कॉलर था। अब दूसरा सवाल, जिस तरीके से अब इसमें खालिस्तानी एंगल पे भी दिल्ली पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेट करी, क्योंकि धमाके के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक धमाके का वीडियो अपलोड किया जाता है, एक जानकारी ली जाती है और उसमें खालिस्तानी जिंदाबाद लिखा जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की जो एक टीम है वो इस एंगल पे जांच करेगी, कहने का इसमें खालिस्तानी एंगल तो नहीं हो सकता। उसको लेके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को एक लेटर लिखा गया है जिसमें पुलिस ने जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी हासिल की गई है और ये पूछा कि आखिर किसके आईपी एड्रेस के जरिए पूरा जो पोस्ट है वो किया गया है, जिससे कुछ जानकारी जो है वो टेलीग्राम के माध्यम से पुलिस को मिल सके। लेकिन लेटर लिखा जा चुका है, लेकिन अभी टेलीग्राम की तरफ से कोई जानकारी जो है दिल्ली पुलिस को साझा नहीं की गई है। लेकिन सोर्सेज ये बता रहे दिल्ली पुलिस के कि आज शाम तक जो है टेलीग्राम की तरफ से दिल्ली पुलिस को जो है इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के साथ जो जांच एजेंसियां इस मामले में एंगल से जांच करें कि आखिरकार इसमें लगातार ये सवाल बना हुआ है और लगातार ये पूछा जा रहा है कि इसके पीछे कौन आका है, दिल्ली में विस्फोट का मास्टरमाइंड कौन है। और क्योंकि लगातार जांच जारी है, हर एक एंगल से पड़ताल जांच एजेंसियां कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आए दिन यहां पर खुलासे भी हो रहे हैं। हर एक क्षण यहां पर देखिए जिस तरीके से एजेंसियां हैं वो तत्पर यहां पर नजर आ रही है और हर एक एंगल से यहां पर पड़ताल जारी है, लेकिन इस बीच खालिस्तानी कनेक्शन के भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। का गुबार, सफेद पाउडर बना रहा, दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में स्थित सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास रविवार सुबह धमाका हुआ। धमाके के बाद मौके पर धुएं का गुबार नजर आया। धमाके के बाद जांच एजेंसियों की जांच जारी है, कई एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। क्योंकि मौके से ना टाइमर, ना डेटोनेटर, ना कोई मेटल, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला। मौके से मिला है तो सिर्फ सफेद पाउडर, और इसी सफेद पाउडर के कारण ये धमाका रहस्यमय हो गया है। यही कारण है कि जांच एजेंसी इस धमाके की जांच आतंकी हमले के एंगल से भी कर रही है। सबूत के नाम पर जांच एजेंसियों के पास सिर्फ सफेद पाउडर और सीसीटीवी फुटेज है और इसी के सहारे आगे बढ़ रही है जांच।
सीसीटीवी खंगालने के साथ साथ हजारों फोन कॉल्स की जांच भी की जा रही है। वहीं इसी साल मई महीने में दिल्ली के 150 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई थी। ऐसे में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका आतंकी हमले की ओर इशारा कर रहा है। और इसी बीच खबर है कि सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की खालिस्तानियों ने जिम्मेदारी ली है। सूत्रों के मुताबिक टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप पर उनका मैसेज आया। इसमें कहा गया है कि वो किसी भी समय हमला करने में कितने सक्षम है। फिलहाल जांच एजेंसियां मैसेज की जांच कर रही है। वही एनआईए और एनएसजी की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी। फिलहाल धमाके की जांच जारी है। धमाके के पीछे कौन है इसका पता तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सबके मन में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ये दिवाली से पहले दिल्ली दहलाने की साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धमाके से जुड़ी हुई एक एक जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जोरदार धमाका हुआ, दुकान के शीशे टूट गए, जो घर थे वहां पर शीशे टूट गए। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं कि दिल्ली धमाके के पीछे आखिर कौन है। हालांकि अब तक सुरक्षा एजेंसियों को कोई सुराग नहीं मिला है, कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि इसके पीछे कौन है। जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। सबूत के तौर पर सिर्फ सफेद पाउडर ही पता है और इसी के आधार पर जांच अपनी तेज करते हुए सुरक्षा एजेंसियां नजर आ रही है। सफेद पाउडर की जांच लगातार जारी है और आपको बता दें कि कैमराज भी यहां पर खंगाले जा रहे हैं। मौके से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिली है चीज। सीसीटीवी इस वक्त खंगाला जा रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं जो आसपास में जितने भी कैमराज हैं उनको खंगाला जा रहा है। आतंकी हमले के एंगल से भी इस वक्त जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि खालिस्तानी एंगल, इसके अलावा पाकिस्तान का भी एंगल इसमें जांचा जा रहा है। पाकिस्तानी टेलीग्राम चैनल पर भी दावा है। सूत्र बता रहे हैं आपको कि मई में सैकड़ों स्कूलों में बम धमाके की, आपने देखा था कि ईमेल के जरिए धमाके की वो जानकारी दी गई थी, का हो सकता है इस तरह को लेकर के एक लेटर भी लिखा गया था मेल के जरिए। इस एंगल से भी इस वक्त जांच एजेंसियां जांच कर रही है। उसके बाद आपने देखा कि विमानों में भी बम धमाके को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। अब आप देखिए कि एक और ऐसी खबर सामने आती है, तो सफेद पाउडर फिलहाल हाथ लगाए, कुछ संदिग्ध चीज नहीं मिली है और इसलिए एनआईए हो एनएसजी हो लगातार अब जांच पड़ताल में जुटते हुए नजर आ रही है। तो दिल्ली धमाके के पीछे कौन है सबसे बड़ा सवाल, इस एंगल से भी जांच एजेंसी जांच कर रही है, यानी कि आतंकी खालिस्तानी एंगल से भी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। हालांकि अभी तक कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो किस एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्या क्या निकलकर अब तक सामने आया है, क्या आधार रहने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐप से भी इस मामले में जानकारी हासिल की गई है कि आखिर वो कौन लोग हैं, जिन लोगों ने वीडियो अपलोड किया है उनकी कोई जानकारी हो, इन सभी मामलों में पूरी अपडेट हासिल की जा रही है। लेकिन अब आपको ये बता देते हैं कि अब इस धमाके की खालिस्तानी कनेक्शन की जांच भी की जा रही है। कैसे, ये आपको बता दें, सोशल मीडिया चैनल पर बड़ा दावा किया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं, पाकिस्तान के टेलीग्राम चैनल पर यह दावा हुआ है कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं खालिस्तान से हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है ऐसा कुछ। सीसीटीवी फुटेज डालकर बम धमाके का दावा किया गया है, प्रॉपर जिम्मेदारी ली गई है। जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप पर मैसेज किया गया है, सूत्र यह जानकारी दे रहे हैं, इसलिए टेलीग्राम को लेटर लिखकर जानकारी हासिल की जा रही है। किसी भी समय हमला करने में सक्षम है, यह बता दें आपको कि ऐसे सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करके इसके पहले भी बातचीत और उसके जरिए अलग अलग जगहों पर दहशत फैलाने की पहले भी की गई है। टेलीग्राम चैनल को चलाती है आईएसआई, सूत्र ये बता रहे हैं। आईएसआई की भूमिका होने का भी दावा किया जा रहा है। सभी मैसेज की जांच कर रही है एजेंसी और जो मैसेजेस हैं उनकी जांच भी की जा रही है, यहां तक कि इसका जो खालिस्तानी कनेक्शन है या दूसरे कनेक्शन जो सामने आ रहे हैं सभी की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब इस चैनल के खिलाफ जो टेलीग्राम को लेटर लिखा गया है, उस चैनल के खिलाफ जिस जानकारी के लिए लेटर लिखा गया टेलीग्राम को, क्या टेलीग्राम वो जानकारी हासिल करेगी, जानकारी साझा करेगी, क्योंकि आईएसआई ही इस चैनल को चलाता है जिस पर इस वीडियो को अपलोड करके, सीसीटीवी वीडियो को अपलोड करके इस धमाके की जिम्मेदारी ली गई है। इस खबर के बारे में और भी अपडेट आपको देते रहेंगे आगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते आगे देखते हैं 2 मिनट में देश दुनिया की अहम खबरें।